दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दोस्तों हम लोगों ने एल गणित और लेक्चरर मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमारा जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी हमने जितने भी इंपॉर्टेंट एम आते हैं एग्जाम में उसको हम वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं तो उसी क्रम में मैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही वाइटल टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाइक like अगर आप एल मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो या लेक्चरर मैथामेटिक्स की तैयारी कर रहे हो या इवन आई आई टी के वी तो सारे एग्ज़ाम्स में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आते हैं ओके okay? इसीलिए मेरा इस पर ज़्यादा ज़ोर है तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं डालने की कोशिश करूँगा और वो सारे के सारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज लेस देन देन आपको बताना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी ओके okay? तो अच्छा क्वेश्चन है काफी एग्जामों में आता भी है थोड़ा सा घुमा रखा है इस समय आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लेस देन जीरो देखिए आप इस चीज को समझिए आप इसको बहुत ईजिली हम इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं देखिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको एक ये क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल से फैक्ट से मैं आपको बताता हूँ देखिए आप ये ध्यान में रखिए कि आप सपोज करो चार क्वाड्रेंट हैं तो जब चार क्वाड्रेंट होते हैं जैसे पहला क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है इन चारों क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है तो मैं आपको यहाँ पर सामने लिख लेता हूँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड एक्चुअली होता है थीटा ओके सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका बन जाता है पाई माइनस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट ऑफ जेड बन जाता है माइनस पाई प्लस थीटा एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट आर्गुमेंट ऑफ जेड बिकम माइनस थीटा तो आप यहाँ से इस चीज को ध्यान में रखिए तो देखिए अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड क्या होगा देखिए जेड का मतलब क्या है वो कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज करो मैं मान लेता हूं जेड है फर्स्ट क्वार में तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर जेड फर्स्ट क्वार में है तो माइनस जेड कौन से क्वार होगा थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि अगर z आपका x प्लस आई वाई है सपोज तो माइनस जेड आपका क्या होगा माइनस एक्स माइनस आई वाई सो यहाँ पर से आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड क्या बन जाएगा देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपका कितना है थीटा है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड आपका क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा आपको पता है कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा होता है तो देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा ओके okay. अब यहां पर आपसे पूछा गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेकिन आपको कह रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज लेस देन जीरो तो यानी जो कंडीशन है वो जस्ट उल्टी है ओके इस केस में आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड है वो लेस देन जीरो है ओके विच सिंपली मीन्स दैट इस समय पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम मान सकते हैं माइनस थीटा okay? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड एक्चुअली क्या हो जाएगा देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड हो जाएगा देखिए पर आपने इसका क्या कर देना है माइनस कर देना है तो यहां पर अगर आप इसका माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा भाई थीटा प्लस पाई माइनस थीटा प्लस पाई ओके यहां पर आप माइनस कर देंगे तो अब आप बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा प्लस पाई माइनस माइनस थीटा ओके तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा जाएगा तो क्या पाई ओके okay? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका कितना आ गया पाई आ गया ठीक है ना आप इसको सिंपली देखिए ये मैंने आपके सामने सिर्फ दिखाने के लिए आपको सॉल्व किया आपके सामने खुद ही आप इसको हम कह सकते हैं मैथड ऑफ इंस्पेक्शन की मदद से भी हम निकाल सकते हैं कि भाई देखिए जब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड जब पाई होता है तो वो कब होता है जब जेड पॉजिटिव होता है तो जेड जब नेगेटिव होगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड क्या हो जाएगा माइनस पाई तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा प्लस पाई हो जाएगा बस इसको करने में आपको दो सेकेंड भी नहीं लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने में लेकिन आपको ये मेथड भी आनी चाहिए तो आप इन चारों चीजों को याद रखिए देखिए मॉड्युलेशन आर्ग्यूमेंट निकालना भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है कितने बार एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि पहले सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन चारों में आर्गुमेंट की क्या वैल्यू होती है ओके okay. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है इफ आपको दिया हुआ है जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड वन इजिकल टू मॉट जेड टू बराबर जेड थ्री स टू आपको दे रखा है बताना है इन सब के मॉडल की वैल्यू वन है तो आपको बताना है कि भाई मॉड जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री की क्या वैल्यू होगी ओके बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है तो देखिए हम कैसे करेंगे देखिए आपको पता है भाई मॉड देखिए मॉड वन बराबर क्या दे रखा है 1 तो इसका मतलब यह है मैं एक काम करता हूं स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड कर सकता हूं तो देखिए आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है मॉड जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार तो ये हो तोड़ू जेड वन बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 ओके सो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड बार ओके similarly similarly z2 बराबर भी क्या हो जाएगा सेम प्रोसेस यहां पर अपनाएंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन z2 बार इसी तरह से z3 बराबर भी हो जाएगा 1 अपॉन z3 बार ओके okay, अब यहां पर आते हैं देखिए यहां पर आपको पता है कि भाई 1 अपॉन z1 1 अपॉन z2 1 अपॉन z3 इज इक्वल्स टू है 1 ठीक है तो देखिए यहां पर से आप देखिए z1 बराबर है 1 अपॉन z1 बार तो 1 अपॉन z1 क्या होगा ये हो जाएगा z1 बार ओके 1 अपॉन z1 पे इसी तरह से ये क्या हो जाएगा भाई z2 बार इसी तरह से क्या हो जाएगा z3 बार इज इक्वल्स क्या हो गया 1 नाउ z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार कैन बी रिटन एज z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार ओके देख सकते हैं नाउ अब हमें पता है कि भाई मोड z बराबर होता है मोड z बार z बार का मोड निकालो z का निकालो एक ही वैल्यू होती है तो यहां पर से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई z1 z2 प्लस z3 का मोड इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया तो हेंस मोड z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर क्या होगा 1 दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है let z1 and z2 be nth roots of unity which subtend a right angle at the origin then n must be in the form where k is an integer आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट right है ठीक है तो देख लेते हैं अच्छा क्वेश्चन है z1 एन Z2 ये आपके क्या है एनएथ रूट्स ऑफ यूनिटी एनए रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है कि वन की पावर वन अपॉन एन बराबर क्या रहा होगा Z1 तो भाई इसका मतलब है एंड Z2 भी लिख लेते हैं वन की पावर वन अपॉन एन बराबर क्या रहा होगा Z2 इसका मतलब है कि Z1 की पावर एन बराबर क्या आएगा 1 इसी तरह से Z2 की पावर n बराबर भी कितना आएगा वन आएगा ओके यानी n टाइम्स करने पर दोनों की वैल्यू क्या आएगी वन आएगी ओके okay? अब देखिए ये आपसे क्या कह रहा है कि ये दोनों के दोनों सबटेंड एट राइट एंगल ऑरिजन पे ऑरिजन पे ये दोनों तो देखिए मैं आपको इसको एक ग्राफ से दिखाता हूं ठीक है देखिए ये है जेड वन ये है जेड टू ये ऑरिजन पर सपोज करो ये कितना एंगल सबटेंड करते हैं ये एंगल सबटेंड करते हैं 90 डिग्री ठीक है लग नहीं रहा है दिखने का लेकिन अब मान लो आप इस तरीके से थ्री में है तो जेड वन ये आपका कितना एंगल सप्टेंड करते हैं 90 डिग्री ठीक है ना अब देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से मैंने चीज़ समझाई थी अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि भाई आई जेड को मैं कैसे निकालते हैं अगर Z है तो आई जेड कैसे निकालते हैं देखिए अगर मैं जेड वन को 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा Z2? इसका मतलब यह है कि Z2 टू कैन बी ऑप्टेड बाय बायेटिंग Z1 वन एट नाइंटी डिग्री यानी इसको मैं 90 डिग्री क्या कर दूंगा रोटेट कर दूंगा तो Z2 को हम क्या लिख सकते हैं Z1 e की पावर i पाई बाई टू ओके तो यहां पर से ही आ जाएगा भाई Z2 टू अपॉन जेड बराबर आ जाएगा e की पावर i पाई बाई टू यहां तक समझ में आ ही रहा होगा आपको सो फ्रॉम हियर z2 टू अपॉन जेड वन इज इक हो जाएगा e की पावर i पाई बाई टू ई की पावर i पाई बाई क्या होगा cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई यानी cos 90 प्लस आई साइन नाइनटी यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी i cos 90 होता है जीरो साइन 90 होता है वन तो z2 अपॉन जेड वन बराबर आपका आ गया आई ओके okay? एक काम करते हैं इन दोनों की पावर एन ले लेते हैं ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा आई की पावर एन लिख सकते हैं हम ऐसा भाई जेड टू अपॉन जेड वन तो बराबर आई आ गया तो जेड टू अपॉन जेड वन की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा आई की पावर एन ओके okay? अब ये जेड अपॉन एन अपॉन जेड अपॉन एन टू कितना आ गया आई की पावर एन अभी लेकिन हमें पता है भाई Z1 की पावर बताइए कितना है वन जेड टू की पावर एन भी कितना है वन तो यानी ये तो हो जाएगा वन तो आई की पावर एन बराबर कितना आ गया वन ओके okay. अब आप बताइए एन किसकी फॉर्म में रहा होगा क्योंकि हमें पता है कि भाई आई की साइकिल क्या होती है फोर होती है तो आई की पावर फोर क्या होता है वन तो डेफिनेटली ये वन कब होगा जब एन बराबर किसकी फॉर्म में होगा फोर के की फॉर्म में होगा तभी आई की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा वन हैंस एन बराबर फोर के इज द राइट आंसर सो ऑप्शन डे इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू जेड थ्री सेटिस्फाइंग जेड वन माइनस जेड थ्री अपॉन जेड टू माइनस जेड थ्री इजिकल्स टू है वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू आर द वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल विच इज ओके तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं तो देखिए हमें लगता है कि यार ये कितना जो टफ है लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैं इसको आपको फिर से ग्राफ की मदद से बताऊँगा पहले हम एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं देखिए यहाँ पर ये यह हो जाएगा देखिए हो जाएगा वन बाई टू माइनस आई रूट थ्री बाई टू ओके okay. अब देखिए ये है प्लस माइनस यानी प्लस माइनस का मतलब है ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका जो आर्गुमेंट होगा वो हो क्या होगा माइनस थीटा ओके okay. तो अब वन बाई टू यानी मैं इसको डायरेक्टली यहां पर सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा वी कैन राइट इट कॉस माइनस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन माइनस पाई बाई थ्री ठीक है इसको मैं इस टाइप की फॉर्म में लिख लेता हूं कुछ देर के लिए तो हो जाएगा भाई की पावर माइनस आई पाई बाई थ्री ठीक तो देखिए किस तरीके से बनेगा <coughs> ये आपका है z3 थ्री और ये आपका हो जाएगा z1 वन और ये हो गया आपका जेड ये आपका एक ट्राइंगल है ठीक है पहले मैं एक काम करता हूं इसको मैं थोड़ा सा से से लिख लेता हूं ये लिख लेता हूं जेड वन माइनस जेड थ्री अपॉन कितना हो जाएगा भाई z2 टू माइनस जेड थ्री इजिकस टू है e की पावर माइनस आई पाई बाई थ्री तो यहां पर से थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करिए हो जाएगा भाई z2 टू माइनस जेड थ्री इजिकस टू हो जाएगा z1 वन माइनस जेड थ्री की पावर आई पाई बाई थ्री अब देखिए अब इस कॉन्सेप्ट का दिस उस वी कैन से कुछ आप कुछ ही मान लीजिए आपका जैसे मैंने इससे पहला वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि भाई कैसे उसको रोटेट करते हैं तो अगर मैं जेड थ्री माइनस जेड वन या जेड वन माइनस जेड थ्री को कितने डिग्री 60 डिग्री रोटेट करूंगा Z1 वन माइनस जेड थ्री को 60 डिग्री अगर मैं रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा Z2 टू माइनस जेड थ्री यानी ये मिलेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा ओके तो इसका मतलब है कि ये एंगल डेफिनेटली कितना रहा होगा पाई बाई थ्री समझ रहे हैं ठीक है तो ये एंगल आपका कितना है पाई बाई थ्री ठीक है अब एक चीज और देखिए यहां पर से हमारा आया z1 वन माइनस जेड थ्री अपॉन जेड टू माइनस जेड थ्री बराबर आया e की पावर माइनस आई पाई थ्री तो अगर मैं इसका मॉड्यूलस लूँ तो z1 वन माइनस जेड थ्री अपॉन जेड टू माइनस जेड थ्री ई की पावर आई थीटा का मॉड्यूलस हमेशा कितना होता है वन होता है ओके थीटा प्लस आई साइन थीटा तो चाहे थीटा का कोई भी एंगल हो उसका कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा इसका मतलब है कि जेड वन माइनस जेड थ्री बराबर आपका कितना आ गया मॉड जेड टू माइनस जेड थ्री इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा बराबर होंगे अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो और ये 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो कितना बचेगा 120, 120 का आधा कितना होता है 60, 60। तो क्या निकला यहाँ से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका राइट right आंसर है तो देखिए आप इस चीज को समझिए z1 वन माइनस जेड थ्री अपॉन जेड टू माइनस जेड थ्री इस टाइप की फॉर्म में था हमने इनके बीच का एंगल निकाल दिया तो इससे मुझे पता लग गया कि भाई z2 टू माइनस जेड थ्री यानी इसको मैं 30 60 डिग्री रोटेट करूं या इसको मैं 60 डिग्री नीचे की ओर रोटेट करूं तो इससे मेरा आंसर यहां पर से निकल के आ जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ओमेगा बराबर आपको वैल्यू दी हुई है ओमेगा की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है वन बाई टू प्लस आई रूट थ्री बाई टू आपको क्या करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो देखिए आपके सामने डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है ये है वन 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 और ये हो गया वन वन माइनस वन माइनस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इसकी वैल्यू को आप उन्हें फाइंड आउट करना है अच्छा क्वेश्चन है कर लेते हैं इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा उस कैलकुलेशन की मदद से हम इसको कर लेंगे ओके okay? तो आपके सामने यहाँ आप पर जब वन 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 दिखता है तो आपके सामने सबसे पहला ऑपरेशन यही निकल के आना चाहिए आर टू माइनस आर वन और अगला क्या होगा आर थ्री माइनस आर वन ठीक है तो आप इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू से ये हो जाएगा भाई वन 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 नाउ दिस विल बिकम जीरो दिस विल आल्सो बिकम जीरो इसमें से अगर आप माइनस वन करेंगे तो इट विल बिकम माइनस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस वन दैट इज अगेन ओमेगा स्क्वायर माइनस वन एंड दैट इज ओमेगा माइनस वन ओके ना इसको हम एक काम करते हैं इस कॉलम नंबर वन के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं तो ये बन जाएगा भाई माइनस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस वन यानी ओमेगा स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर ओके अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इफ वी टेक माइनस वन इज अ कॉमन सो वी विल गेट टू प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस वन माइनस इसका स्क्वायर को अगर आप एक्सटेंड कर लें तो ये हो जाएगा भाई ओमेगा की पावर फोर प्लस वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर ठीक है चलिए मल्टीप्लाई कर ली लेते हैं आप तो ये हो जाएगा भाई टू ओमेगा माइनस टू प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस देखिए ओमेगा की पावर फोर है ओमेगा की पावर फोर क्या कहलाएगा ओमेगा कहलाएगा ठीक है वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आपका होता है वन तो ये वन माइनस टू तो ये हो जाएगा भाई माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस चलिए माइनस को बाहर ले लेते हैं वन प्लस ये हो जाएगा टू ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो यहां पर से आप इसको सॉल्व करिए सिर्फ कैलकुलेशन है ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ कैलकुलेट करते चले जाना है आ, साफ साफ है टू मेगा स्क्वायर देखिए वन से और वन तो कैंसिल हो जाएगा टू मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बिकम थ्री ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस टू ओमेगा यानी कितना हो जाएगा थ्री ओमेगा ओके अगर मैं इसमें से थ्री ओमेगा कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा आपका ओमेगा माइनस वन ओके सो थ्री उमेगा उमेगा माइनस वन इज़ द राइट आंसर हैंस ऑप्शन बी इज़ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन कॉमा जेड टू सेटिस्फाइंग मॉट जेड वन बराबर है ट्वेल्व एंड आपको दे रखा है भाई जेड टू माइनस थ्री माइनस फोर आई बराबर दे रखा है फाइव ठीक है आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 वन माइनस जेड आपको इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो देखिए यहां पर हम z1 वन माइनस जेड टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू इस फॉर्मूले का उपयोग करने वाले दिस इनइलिटी इज गोइंग टू बी यूज ठीक है तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं जेड माइनस थ्री माइनस फोर आई है लिखा हुआ इजिक्स टू आपका कितना है फाइव ठीक है तो यहां पर से मैं काम करता हूं जेड वन माइनस मैं काम करता हूं थ्री माइनस फोर आई को सब भी कर देता हूं और साथ में इसको मैं ऐड भी कर देता हूं ठीक इन दोनों को मैंने ऐड भी कर दिया सब भी कर दिया किस में इक्वेशन नंबर वन में ठीक है ना इन इक्वालिटी नंबर वन में मैंने इसको ऐड भी कर दिया सब भी कर दिया और माइनस क्या हो जाएगा Z2, वो तो है ही ठीक है ना तो अब आप क्या करेंगे इस इन का यूज करेंगे तो यहां पर से देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मॉड z1 वन यहां पर आपका आ जाएगा किसका साइन ग्रेटर का ठीक है यहां पर आपका ग्रेटर का साइन आ जाएगा ये हो जाएगा z1 वन माइनस इन दोनों को अगर आप साथ लेंगे तो ये हो जाएगा z2 टू माइनस थ्री माइनस फोर ओके और ये भी माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर आई ओके तो इस तरीके से हमने इस रूल का उपयोग करना है तो ये हो जाएगा देखिए मॉड जेड वन देखिए मॉड जेड वन एक्चुअली कितना है वो है ट्वेल्व ठीक इसकी वैल्यू आपको गिवन है इसकी वैल्यू आपको कितनी है फाइव है ओके माइनस मॉड ऑफ आए, प्लस फोर आई यानी अंडरवूड ऑफ थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर होता है नाइन फोर का स्क्वायर ट्वेल्व माइनस टेन विच इज बट ग्रेटर देन टू ओके तो ये चीज आपकी कहां से है? ये तो इसका मतलब ये आ गया ये एक्चुअली किसके बराबर है ये है मॉट जेड वन माइनस जेड टू तो वन माइनस मॉड जेड वन माइनस जेड टू की जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी है टू है ओके सो टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है z बराबर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज़ इजिकल्स टू वन से लेके 15 इमेजनरी पार्ट ऑफ z की पावर टू एम माइनस वन एट पे टू डिग्री वैल्यू को फाइंड आउट करना अच्छा क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा अगर आपको हमारा कार्य पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लेता हूँ इसको मैं जेड बराबर मैं लिख लेता हूँ की पावर आई थीटा लिख सकता हूं क्योंकि क्या है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो देखिए पावर टू एम माइनस वन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा की की पावर पावर थीटा ओके तो सिंपली मीन्स दैट ई की पावर आई टू एम माइनस वन थीटा ओके यानी ये हो जाएगा कॉस टू एम माइनस वन थीटा प्लस आई साइन टू एम माइनस वन थीटा ओके सो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए दिस इज जेड की पावर टू एम माइनस वन हमें क्या चाहिए हमें चाहिए इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर टू एम माइनस वन ओके तो इमेजनरी ये रियल पार्ट है इमेजनरी पार्ट तो इमेजनरी पार्ट कितना है साइन 2m माइनस 1 थीटा, ठीक है भाई, तो यहाँ पर से हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ़ जेडी हो जाएगा समीक्षण m इज़ इक्वल तू 1 से लेके 15 ये हो जाएगा साइन 2m माइनस 1 थीटा, ओके? तो आप इसको अगर आप खोलेंगे m बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा भाई? साइन थीटा, फिर क्या आएगा साइन 3 थीटा प्लस से लेके कहां पर तक जाएगा sin पर 15 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 29 थीटा ओके okay? तो साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस साइन ट्वेंटी थीटा साइन की सीरीज आ गई तो साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा से लेके साइन टू एन माइनस वन थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है ये होती है साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ठीक है आप इस फॉर्मूले को याद में रखिए तो यहां पर से देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर नाउ आपको पता है भाई कितने टर्म है इसमें टोटल आप देख सकते हैं कितने टर्म है टोटल फिफ्टीन टर्म है ठीक है क्योंकि यहां पर आप अगर चेक करें तो m की जगह पे लास्ट टर्म क्या आएगा फिफ्टीन आएगा तो यहां पर हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर फिफ्टीन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा ओके okay? नाउ स्क्वायर थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है टू डिग्री तो यहाँ पर अगर आप रख दें तो हो जाएगा साइंस स्क्वायर थर्टी डिग्री डिवाइडेड बाय साइन डिग्री ओके अब साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू तो साइंस स्क्वायर थर्टी कितना हो जाएगा वन बाई फोर तो यह हो जाएगा बाई वन बाई फोर साइन टू डिग्री हें व अपॉन साइन टू डिग्री इन फोर

is purely real, then the set of value of z is आपको है कि set of value of जेड क्या रहेगी आपको मतलब या वो complex number जो कि अपने complex conjugate के बराबर होता है तो अगर मैं कहूँगा कि भाई ये purely real है तो मैं ये कह सकता हूँ कि z बराबर क्या होगा जेड वन बराबर क्या होगा जेड वन बार ओके okay. अगर मैं इसको जेड वन मान लू कुछ देर के लिए मैं इसको जेड वन मान लेता हूं तो अगर ये प्योरली रियल है तो ये अपने कॉम्प्लेक्स कंजुकेट के बराबर होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो रियल नंबर होते हैं वो हमेशा अपने कॉम्प्लेक्स कंजुकेट होते हैं ठीक है ना तो यहां पर से हो जाएगा भाई जेड यानी हो जाएगा भाई डब्ल्यू माइनस बार जेड अपॉन वन माइनस जेड बराबर हो जाएगा डब्लू माइनस बार जेड अपॉन वन माइनस जेड का बार ओके अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो देखो ये हो जाएगा भाई डब्लू बार माइनस डब्लू बार का बार यानी डब्लू जेड बार अपॉन वन का कॉन्जुकेट तो वन ही होता है माइनस क्या हो जाएगा जेड बार ओके इजिकस टू आपका है डब्लू माइनस डब्लू बार जेड अपॉन वन माइनस ठीक अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फिर से कैलकुलेशन है थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप ठंडे दिमाग से अगर आप कैलकुलेशन को करोगे तो बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाता है इसमें हपड़ तपड़ नहीं करनी होती है। आराम से करो वन माइनस जेड बार इसको मल्टीप्लाई करो तो जाएगा डब्लू बार ये हो जाएगा माइनस डब्लू बार जेड माइनस डब्लू जेड बार माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस डब्लू जेड इंटू जेड बार इजी कस टू ये हो जाएगा भाई डब्लू माइनस डब्लू जेड बार माइनस डब्लू बार जेड प्लस डब्लू बार जेड इंटू जेड बार ठीक है तो देखिए कुछ कटता है बिल्कुल कटता है एक ये कट रहा है और एक ये भी कट गया ठीक तो यहां पर से क्या आ जाएगा ये आ जाएगा भाई डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू जेड इंटू जेड बार क्या होता है मॉड मॉडेड का स्क्वायर ठीक है माइनस सॉरी पर आ आ जाएगा जाएगा प्लस बार ये फिर से क्या मॉड मोरजेड का स्क्वायर हो जाएगा ठीक तो यहां पर से अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू एक साथ ले लो और इन दोनों को साथ ले लो तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार मॉड जेड का स्क्वायर इज इजिकल टू क्या आ जाएगा जीरो ठीक है भाई सो डब्लू बार माइनस डब्लू आप कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा one, यहां पर देखिए माइनस आ जाएगा ठीक है मॉड जेड का स्क्वायर इज टू हो जाएगा जीरो ठीक है तो यहां पर से होगा डब्लू बार माइनस डब्लू बराबर जीरो होगा तो इसका मतलब है कि भाई डब्लू बराबर डब्लू बार देखिए विच इज नॉट पॉसिबल क्यों क्यों नहीं इंपॉसिबल है क्योंकि w है अल्फा i बीटा और अल्फा i बीटा में आपको कह रखा कि भाई बीटा 0 नहीं हो सकता तो अगर w का इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता तो w अपना कंजुगेट नहीं हो सकता कभी भी ओके तो w cannot be equals to w बार तो ये तो सही नहीं है इसका मतलब ये है कि 1 मोड z का स्क्वायर मस्ट बी क्या होना चाहिए 0 सो मॉड जेड का स्क्वायर क्या होना चाहिए वन हैंस मॉड जेड क्या होना चाहिए वन ओके बट साथ में आपको क्या दे रखा है दूसरी कंडीशन क्या है जेड के नॉट बी इक्व टू वन सो मॉड जेड का स्क्वायर वन है तो मॉड जेड तो वन है लेकिन जेड इज नॉट इक्वल टू वन हेंस ऑप्शन नंबर बी इज राइट मॉड जेड बराबर वन एंड जेड डज नॉट इक्व टू ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है मॉड जेड बराबर है वन एंड w बराबर है जेड डज नॉट इक्व टू होगा आपका माइनस वन देन आपको निकालना है रियल पार्ट ऑफ डब्लू अच्छा क्वेश्चन है देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर मॉड जेड क्योंकि आपको वन दिया हुआ है तो आप यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करिए हो जाएगा डब्लू जेड प्लस वन बराबर हो जाएगा जेड माइनस वन सो यह हो जाएगा डब्लू जेड प्लस डब्लू बराबर जेड माइनस वन हैंस डब्लू जेड माइनस जेड बराबर ये हो जाएगा माइनस वन माइनस डब्लू सुनाओ जेड को अगर हम कॉमन ले लें तो जाएगा भाई z इंटू डब्ल्यू माइनस वन माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा ओमेगा w प्लस वन तो z बराबर w प्लस वन अपॉन वन माइनस डब्ल्यू इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ओके तो यहां पर से हमें पता है कि भाई मॉड z बराबर है वन तो हमें काम करते हैं दोनों साइड मॉड ले लेते तो मॉड जेड बराबर हो जाएगा मॉड वन प्लस डब्लू अपॉन वन माइनस डब्ल्यू ओके नाउ आपको दिया मॉड जेड है वन, तो ये वन प्लस वन अब आपके सामने एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जेड वन माइनस जेड टू के मॉड का स्क्वायर ये होता है मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड सेड टू स्क्वायर माइनस टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड वन बार जेड टू ओके इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे तो मैं एक काम करूंगा यहां पर बोथ साइड में स्क्वायर कर दूंगा तो वही हो जाएगा वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर वन माइनस डब्लू का स्क्वायर सॉरी मैं इसको बार बार ओमेगा बोल दे रहा हूं तो ये हो जाएगा इसको आप खोलिए इसी हिसाब से तो हो जाएगा भाई वन प्लस मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस सॉरी ये हो जाएगा सॉरी प्लस uh, यहाँ पर प्लस ही आएगा क्योंकि वन प्लस का है ये यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा ओके टू इन टू मॉड वन वन होगा ये हो जाएगा मॉड डब्ल्यू रियल पार्ट ऑफ देखिए वन का बार तो क्या होना है वन ही होना है तो रियल पार्ट ऑफ क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा ठीक है इसी तरह से यहां पर आप लिख लेंगे वन प्लस मॉट डब्ल्यू का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टू मॉट डब्ल्यू रियल पार्ट ऑफ डब्लू तो देखिए ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे ये प्लस है तो यहां पर आके कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर मॉट डब्ल्यू रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू कितना इसको इधर तो जाएगा रियल पार्ट आप इस को ध्यान में रखिए देखिए अगर यहां प्लस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको आप ध्यान में रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है इफ मॉड जेड बराबर है वन एंड जेड इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन देन आपको ऑल द वैल्यूज ऑफ जेड अपॉन वन माइनस जेड स्क्वायर की निकालनी है लाय ऑन बताना है कि ये इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है ठीक है आपको दे रखा अभी मॉड जेड बराबर वन तो लेट मैं मान लेता हूँ जेड बराबर ई e की पावर आई थीटा मान सकता हूँ क्योंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा उसका जो मॉड होता है वो कितना होता है वन ही होता है ओके तो यहां पर से देखिए ये हो जाएगा z बराबर है ई e की पावर आई थीटा अपॉन वन माइनस ये हो जाएगा ई e की पावर टू आई थीटा ठीक है तो चलिए ये हो जाएगा भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस इसकी वैल्यू रखिए कॉस टू थीटा माइनस आई साइन टू थीटा ठीक है तो देखिए अब यहां पर से हम इसको सॉल्व करते हैं आगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देखिए वन माइनस कॉस टू थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा ओके माइनस आई साइन टू थीटा साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होती है टू आई साइन थीटा इन कॉस थीटा ओके तो यहां पर से ये हो जाएगा भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय अगर मैं इसमें से देखे टू साइन थीटा कॉमन ले लूं तो बचेगा अंदर साइन थीटा माइनस आई थीटा, ओके तो एक काम करता हूं मैं आई को भी मैं कॉमन ले लेता हूं और कौन से आई को ले लेता हूं माइनस आई को देखिए माइनस आई को मैं कॉमन ले लेता हूं ये हो जाएगा माइनस आई टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय देखिए अगर आप यहां पर माइनस वन अपॉन आई करेंगे तो माइनस वन अपॉन आई एक्चुअली क्या होता है प्लस आई होता है ठीक है तो ये हो जाएगा साइन थीटा ठीक देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से दोनों कैंसल आउट हो गए वन अपॉन माइनस आई अगेन क्या बन जाएगा आई तो आई अपॉन टू साइन थीटा ठीक है तो आई अपॉन टू साइन थीटा क्या इंडिकेट करता है इट्स अ प्योरली इमेजनरी अगर जो प्योरली इमेजनरी होगा वो कहाँ लाई करेगा वो लाई करेगा वाई एक्सेस पर ओके सो वाई एक्सेस इज राइट आंसर फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको मेरा कार्य पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें तो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय मिलते हैं अगली वीडियो में